हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आ, कल की डेट की अगर बात करें तो देखिए काफ़ी सारी वीडियो आई थी और आज भी दो वीडियो आ चुकी है और अगर देखें कल की डेट में काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर आए थे और आज भी इसी तरीके से काफी सारी आई डीज एज वेल एज ब्रोकिंग फॉर्म के नंबर आए और ब्रोकिंग फॉर्म के नंबर भी देखने जरूरी है आई के भी तो उन्हीं उन्हीं कुछ चुनिंदा कंपनियों के नंबर देखते हैं और देखते हैं कि उनकी कल की चाल कैसी रह सकती है तो बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डी मैट अकाउंट या क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन कराएं और यहाँ पर सीख कर यहाँ पर सिखाया जाता है आपको किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग और स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं तो इसलिए वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम जिस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है विप्रो विप्रो के नंबर काफी इंपॉर्टेंट थे आज के डेट में और अगर हम देखें ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है जो कि क्यू है ये क्यू फोर लास्ट ईयर के रिजल्ट और ये क्यू क्यू वन के लास्ट ईयर के रिजल्ट है तो एक एक करके यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं इन करोड़ में यहाँ पर आई थिंक हाँ इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है तो टोटल इनकम की बात करें तो वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड सेवन वन एट मिलियंस इन रुपीज की यहां पर इनकम है इससे पहले वन लाख थर्टी सेवन थाउजेंड था इससे पहले वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड था अगर बात करें ईयरली और क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर इनकम काफी अच्छी होती हुई दिखाई दी है और अगर एक चीज और दिखाऊं तो यहां पर देखिए तो अदर इनकम अदर इनकम यहाँ पर क्वार्टरली uh, और ईयरली बेस पर यहां पर गिरावट हुए जिस वजह से यहाँ पर इनकम में टोटल इनकम में यहां फर्क आया तो इस चीज को भी आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर एक टोटल एक्सपेंस के तो यहां पर देखिए इन्होंने एम्प्लॉज बेनिफिट के लिए काफी सारा खर्चा करते हुए दिखाई दी है कंपनी इस वजह से यहां पर एक्सपेंस भी बढ़ती

कंसोलिडेट तो कंसोलिडेट रिजल्ट भी देखिए अच्छे खासे यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं ओके और हम बात करते हैं एक्सपेंसिज भी बढ़ते हुए नजर आए नो डाउट बट अगर हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि ये तो वो बढ़ता हुआ नज़र आया है थर्टी टू थाउजेंड फोर एटी मिलियन से रुपीज से पहले ट्वेंटी नाइन थाउजेंड से ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अगर बात करूँ कंसोलिडेट रिजल्ट में विप्रो ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है जो कि ईपीएस से भी देख सकते हैं तो कल की डेट में आ, हम किस तरीके से देखती है मार्केट लोग मार्केट को और इस शेयर को वो डिपेंड करेगा बट यहाँ पर रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑपरेशन से जो रिजल्ट है दोनों तर, तरफ अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए तो थोड़े बहुत एक आध क्वार्टर में चल जाता है और यहाँ

बेस पे बढ़ते हुए नजर आ रह रहे हैं बारह 1180 बयासी ग्यारह सो अस्सी सात सौ चौरानवे और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की टैक्स एंड एक्सपेंस देने के बाद जो कि यहां पर है तो 331 सौ इकतीस करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इससे पहले बात करें रहे तीन सौ था इससे पहले एक करोड़ का यहाँ पर घाटा था तो कंपनी ने ईयरली बेस पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है क्वार्टरली बेसिस फ्लैट कह सकते हो या थोड़ी बहुत गिरावट है जो कि ईपीएस से भी आप देख सकते हैं तिहत्तर रुपये का ईपीएस है इससे पहले पचहत्तर रुपए का था इससे पहले उनतीस सौ माइनस में यहाँ पर ईपीएस था तो यहाँ पर इस कंपनी स्टील से रिलेटेड काम करती है और स्टील का बहुत ज्यादा यूज होगा तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी टाटा इलेक्सी की टाटा इलेक्सी की हम देखिए तो इन में पर रिजल्ट है ये इस बार के ये लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के रिजल्ट है अगर बात करें टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम कितनी है तो यहाँ पर देखिए सत्तावन हजार पांच सौ इक्यासी इलेक्सीन रुपीज से पहले बावन लाख बावन हजार लाख का इससे पहले इकतालीस हजार रुपीज का यहाँ पर इनकम थी तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है जो की मेन चीज है हमेशा याद रखिएगा इसके अलावा

हाँ तो अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेट रिजल्ट देख लेते हैं क्योंकि सेम सिचुएशन uh, जैसे विप्रो में थी इसमें भी दिखाई दे रही है अगर ये कंसोलिडेट रिजल्ट है अगर देखते हैं यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे तो यहाँ पर टोटल इनकम इन मिलियंस में थर्टी फाइव थाउजेंड एट फोर्टी वन मिलियन से रुपीज से पहले थर्टी थ्री थाउजेंड इससे पहले थर्टी तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है टोटल इनकम में एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस अगेन वही चीज में दिखाई दे रहा है एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस अब की और ट्वेंटी नाइन थाउजेंड है इससे पहले ट्वेंटी सिक्स से पहले ट्वेंटी फोर

तो स्टैंड लोन रिजल्ट मायने हमेशा रखते हैं तो स्टैंड लोन रिजल्ट काफी अच्छे हैं इसके तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कम ईपीएस भी बढ़ता नजर आ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा ये शेयर कल की डेट में भागता हुआ दिखाई दे सकता है एल के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं एल की तरह एल के भी नंबर अच्छे खास है इसके अलावा बात करते हैं एक और आईटी कंपनी सीएन लिमिटेड से रिलेटेड इसके अलावा अगर हम बात करें इसके

नजर आ रहा है जो, जो कि ईपीएस में भी देख सकते हैं 10.48 9.37 7.4 तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस वजह से अगर हम बात करें तो कंपनी कंपनी के जो रिजल्ट है काफी बेहतरीन है और आप यहां पर कैरी ऑन कर सकते हैं इस इन, इनके रिजल्ट के साथ इसके अलावा अगर आप स्टैंड अलोन भी देखना चाहते हैं तो स्टैंड अलोन यहां पर देख लीजिए अगर हम यहां पर देखते हैं ईपीएस तो यहां पर देख लीजिए ईपीएस क्वार्टरली ईयरली बेस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मतलब अच्छा खासा रिजल्ट साइनड के भी आया इसके साथ भी कैरी ऑन करिए कैलकुलेट में भक्त तो वो दिखाई देगा इसके अलावा बात कर लेते हैं ब्रोकिंग फर्म आदित्य बिड़ला मनी अगर कोई इस शेयर को ट्रैक करता होगा तो पिछले एक हफ्ते में ये शेयर ने जितने अच्छे खासे रिटर्न दिए वो हमेशा याद कर रहेंगे बात करें यहाँ पर इसके रिजल्ट तो ये यहाँ पर ये इस बार के रिजल्ट है ये लास्ट क्वार्टर के ये लास्ट ईयर के तो बात करते हैं टोटल इनकम की तो पांच हजार तीन सौ छियालीस का यहाँ पर इनकम हुई है इससे पहले चार हजार नौ सौ सत्तासी इससे पहले चार हजार चार सौ सत्तर की बात कर लेते हैं तो ये अगर ये बात करें इन करोड़ में इन ठीक है जो भी है यहां पर अगर यहां पर सीधे इनकम दे देख लेते हैं नंबर्स में देखते हैं तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहां पर टोटल रिवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस अगर बात करें क्वार्टरली ईयरली बेस पे वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पैंतालीस इससे पहले चौंवाली इससे पहले उनतालीस तो क्वार्टरली ईयरली बेस पे एक्सपेंस ही बढ़ रहे हैं बट अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो पांच का यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले तीन इससे पहले तीन तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे

इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी अवेंटल अगर देखें यहाँ पर इनकम की टोटल इनकम की इन इंडेक्स में है तो फोर्टीन जीरो फोर लैक्सेंड रुपीज से पहले टू नाइन फोर नाइन थ्री टू तो ईयरली बेस पर बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में गिरावट है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी ईयरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बट क्वार्टरली बेस पर गिरावट है इस बार वन थाउजेंड थर्टी लैक्सेंड रुपीज से पहले बाईस अस्सी इससे पहले नौ सौ पचपन और बात करते हैं पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो 307 सौ सात लेक्सिंग रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले 570 सौ सत्तर इससे पहले एक सौ तो ईरली बेस पर जंप है बट क्वार्टरली बेस पर नेट प्रॉफिट में गिरावट है जो कि ईपीएस से भी यहाँ पर साफ लगता है इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एंजल ब्रोकिंग की एंजल ब्रोकिंग आपको पता ही है टॉप टेन यहाँ पर

तो ईयरली बेस पे यहाँ पर अगर बात करें लगभग डबल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्वार्टरली बेस पे भी अच्छी खासी जंप है एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस भी यहाँ पर कंपनी का होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस पड़ रहा है थ्री थाउजेंड वन जीरो नाइन टू सेवन फिफ्टी फोर इस वाले वन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी नाइन तो एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो 1178 मिलियन से सेवनियन रुपीज का प्रॉफिट सेवन थावन तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहां पर प्रॉफिट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर कल की डेट में और भागता हुआ दिखाई देगा और ये आगे के लेवल की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा बेसिक ईपीएस की बात करें चौदह रुपये का ईपीएस है इससे पहले बारह रुपए का इससे पहले पांच रुपए तीस पैसे का ईपीएस है तो कंपनी ने अच्छे खासे नंबर यहाँ पर डिलीवर किए हैं सेगमेंट वाइज अगर यहाँ पर देखना है तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा तो वो सेगमेंट वाइज भी हाँ यहाँ पर अगर ये रिजल्ट देखे तो एक कंसोलिडेट है कंसोलिडेट भी रिजल्ट लगभग सेम ही है कुछ इसमें खास फर्क नहीं है सेगमेंट वाइज देख लीजिए ब्रोकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज 4713 तो तो जो कि ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंस फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अगर बात करें वो भी ईयरली क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हेल्थ की हेल्थ एंड एलाइड फिटनेस एक्टिविटीज से वो घटता हुआ नजर आ रहा है ना के बराबर है अनएलोकेटेड वो भी ना के बराबर है तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके यहाँ पर दिखाया है इनके एसेट टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज ये सब चीज आप यहां पर देख सकते हैं तो अगर बात करें यहाँ पर एक कंपनी को छोड़कर जो कि हमने यहां पर देखा था अवेंट Avent, अवेल्टेल टल लिमिटेड तो इस कंपनी को छोड़कर बाकी सारी कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है किसी के रिजल्ट स्टैंडर्ड में अच्छे किसी के उसमें अच्छे हैं बट ओवरऑल बात करें ऑपरेशन से जो रिवेन्यू हुआ है वो काफी बेहतरीन हुआ है और कल की डेट में एंजल ब्रोकिंग पर नजर रखिएगा आईसेक पर नजर रखिएगा और हमने एस ग्लोबल सर्विस सिक्योरिटीज से रिलेटेड वीडियो बनाई थी उस पर नजर रखिएगा आज और जितनी भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड कंपनी उन पर नजर रखिएगा क्योंकि वो भागती हुई दिखाई देंगी बट लीडिंग के साथ रहिएगा लीडिंग ब्रोकिंग फॉर्म के साथ आईटी कंपनीज के साथ यहाँ पर सारी की सारी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है आईटी कंपनी ने विप्रो ने अच्छे रिजल्ट है टाटा इलेक्सी के अच्छे रिजल्ट है साइंस के अच्छे रिजल्ट है एलटीआई के रिजल्ट अच्छे है तो ये सारी कंपनी पे नजर रखिएगा ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छे खासे रिटर्न देंगे शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासे रिटर्न देंगे और इनसे रिलेटेड अलग वीडियो दोबारा हम बनाएंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि इस तरह की वीडियो उन्हें भी मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस